अच्छा सर, दलित साहित्य का तो एक सौंदर्य शास्त्र या उसका जो कहेंगे एस्थेटिक्स तो सामने आ गया है, क्या आपको लगता है कि क्या वो पिछड़े समाज का भी कुछ साहित्य हो सकता है इस तरह, इस पे कभी आपने सोचा सर? वो जो जमाना था जब कोई लिटरेचर को दलित साहित्य कहा गया था, वो भी अभी पुराना जमाना हो गया। अभी बहुत सारे पुस्तक आते हैं जिनके राइटर्स दलित हैं और वो पुस्तक भी उनकी तरफ से आता है, लेकिन उसको दलित साहित्य नहीं कहा जाता, उसको साहित्य ही कहा जाता है। वो जो टर्म थी वो एक ज़माने के रेबेलियन की, प्रोटेस्ट की थियोरी थी, अभी नहीं है। अभी बाविस्कर के पुस्तक को आप नहीं कह सकते कि ये दलित लिटरेचर है, लेकिन कोई कह भी सकता है कि ये दलित लिटरेचर है, क्योंकि एक बैकवर्ड कास्ट के लोगों से आई है। मुझे लगता है ये चर्चा अभी पुरानी हो गई है। अभी पुस्तक की क्वालिटी, उसके अनुभव की क्वालिटी, ऑटोबायोग्राफी तो उसके ऑटोबायोग्राफिकल और जीवन की क्वालिटी उसी तरफ से देखनी चाहिए जैसे कोई भी बुक के बारे में सोचते।